இதெல்லாம் சுரிநாம சாரி சம்சார் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் சத் ஸ்ரீ அகால் யா நமஸ்கார் मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नई दलांत आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg ke COVID-19 website pe khabar hai ke donderdag yani 2 november 18 tarikh ko 3 corona patienten ke maut ho gaya hai. Medio maart 2020 se abhi tak 1143 jana dehant hue hain. 412 जना को कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 54 नया लोग बस मैत हुए हैं। द्री यानी 3 जना अच्छा हो गए हैं, नेख 9 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल हैं और 1 जना इसोलासी में हैं। 54 Personen COVID-positief getest donderdag uit 412 testen en 3 patiënten aan virus overleden. DNA-leden kan hier baat kiezen bier-accents ko badhane ke khatir. Baat thera gaya ke Surinaamse bier-industrie kleine ya midden bedrijf hai. Kam kartan ke to barabar hak nahi hai. कुछ कम करतन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम करते हैं और कुछ कम करतन एड्स क्रेंट कराखतन है। तो जिन लोगों ने एड्स कराखतन, ये लोग के काम पे कोई भरोसा नहीं है कि कब इनको निकाला जाए। ये बदरेव तो अपना अफाव जो है मिलिए में बहा रहा है। बीर अक्सेंस 1 लीटर बीर पे 50 सेंट US डॉलर भरवाते हैं। जब ये बीर ब्रवरे 50 मिलियन लीटर एक बरस में बनाता होगा तो ये क्लाइन या तो मेदन बदरेफ के बारे में बात हो सकता है। मिनिस्टेरी फॉर लैंडबाउ फेटेल्टन फिशरे के डायरेक्टोरेट फिशरे के 6 इंस्पेक्टर्स को प्रैक्टिक एरफारिंग मिल गया है खरनालन ट्रॉलर्स के नेतन यानी जाल को कंट्रोल करने के खातिर। मालूम हो कि फिनरिस्तातन के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर्स कंट्रोल करने के लिए आए थे 2 टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के मौजूदगी पे। यह खरनालम छानने के लिए जरूरी है कि जाल में से खुद ब खुद खलपादन जब फंस जाए तो वो निकल सकें। कल दोंदरदाग यानी बीपे के रात को मिनिस्ट्री फॉर फॉलोस गजाधर के डायरेक्टर राकेश गजाधर सुकुल प्रेस कॉन्फ्रेंसी में बताया कि सीर्द हॉल ऑफ COVID-19 बीमारी आ करके उधिया गया था, बहुत लोगों को बीमार करके अब आस्ते आस्ते कमती होते जा रहा है। फिर भी जनता को होशियार रहना चाहिएगा। कारण यह है कि कमती लोगों ने वैक्सीनेट करवाए हैं। समझदारी यह है कि सब लोग चाहिएगा अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेने के लिए। फॉलो सोसाइट के मिनिस्टर अमर रामदीन को कोरोना वायरस बीमार किया था, उसने अस्पताल में दाखिल था, अब वो अस्पताल में से निकल गया है, अब वो 23 यानी अपना ही घर में इसोलासी में है। आज 3 बजे पचलहरा रात को सूरीनाम में मान प्रदर्शनी देखे हुए हैं। सूरज और चांद के बीच में आर्द्र यानी धरती आ जाने से तो परछाही जो है उसको तोप दिया था। Rond 3 uur in de ochtend, de schaduw van de aarde valt op de maan, waardoor een deel van het lichaam niet te zien was.
एक ओमा अपना 15 पंद्रह बरस के क्लाइंट के इनसे पूछा कि इतना महंगा व्हाट्सएप टेलीफोन वो कहां से पाई है। नहीं बताना चाहा, ओमा सिपाही को खबर कर दिया। सिपाही के पास ये क्लेम किंत कबूला कि ओम योसे एफ के साथ 2 होटल्स में जाकर के वो सेक्स किया है। सेक्स करते वक्त में ओम उनका फिल्म फोटो उतारा है। अब इसके लिए उनको व्हाट्सएप टेलीफोन मिला है और एक दफा 5,000 SRD और एक दफा 3,000 SRD। रेख्तर मैत्री कुलदीप सिंह हदस खा के अदालत में बोले, यो लेखाम फर कोपन ओम खेल्थ एन मोयस पेलन तक रेखन फा ईमान दत कानमित। ओपंबार मिनिस्टेरी के मांगा हुआ सजा, ओम हुसैन एफ को दिया गया है 24 मानदन सेल स्ट्राफ, सेस फुर वादलक फुर अरस के दिन निकाल करके 3 बरस के प्रूफ तक दिया गया है। ओम फॉर ओर देव्स फॉर सेक्सुअल मिसब्रेक निखिया। द कम्युनिकेशन दिन सूरीनाम के डायरेक्टर अल्फन रोजफेल्ट और मैनेजमेंट टीम डोंडरदाग के बीपे नवंबर के 18 को प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के पास गए थे। तो कम्युनिकेशन दिन सूरीनाम जो बढ़िया काम किया है प्रेसिडेंट ने, उसके लिए वाह वाह या कॉम्प्लीमेंटन दिया है। और जहाँ जहाँ गलतियाँ खबरें ये लोग ने दिए हैं, उसके लिए ऊंचा ऊंचा जुबान में तो शिकायत किया, लेकिन माफी मांगने के लिए नहीं कहा। प्रेसिडेंट ने बोले कि वो अभी तक कम्युनिकेशन दिन सूरीनाम पे भरोसा करता है। टॉप कम्युनिकेशन दिन सूरीनाम उन्मुत प्रेसिडेंट वार एर कॉम्प्लीमेंटन सेन गेगेवन फॉर जाकन वार एर खुद गस्कोर्ड वर्ड्स मार ओक एन वार एर हार्ड वर्ड्स सेन गेफालन एन गेन एक्सक्यूजेस सेन गेमाक्ट। फॉलोस गेसोंडहेड के मातरेखलन के बारे में नया अंदरसुख करके बताए हैं कि मोंट कापियस पहनने से 53% कोरोना बसमेटेगन को रोका जा सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन के रेक्टर डॉक्टर हांस लिमापो नया कॉलेज यार के ओपनिंग्स कॉलेज के स्टार्ट साइन दिया है बैचलर और मास्टर स्टूडेंटन को, जहां भी मौजूद थे अंदरवेज वेतनस्खाप और कल्चर के मिनिस्टर डॉक्टर मारी लेफंस। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। इंडिया के प्रणय मोदी लैंड बॉवर्स यानी के किसान के खातिर 3 नया कानून बना करके पेश किया तो लैंड बॉवर्स नाराज हो गए हैं। रास्ता पर निकल करके डेमोस्ट्रेट करने लगे। एक बार तो सिपाही 6 जना को दाग करके हत्या कर दिया। तो मजबूरन अब मोदी ये 3 कानून फिर हटा दिया है। द इंडिया से प्रेम मोदी एक द्री उम्स्त्रेदन लंद बाव वेतन इन खतरकन। ये धरती अब आस्ते आस्ते गर्म होते जा रहा है। ये गर्म होने के सबब से कयन किस्म के कुदरती हादसा होने लगा है। तो इसे रोकने के खातिर सारी संसार के लीडर्स आपस में मिलजुल कर के फैसला कर ले हैं कि हवा में जो CO2H2 यानी एक जहर है जो हवा में उड़ाते हैं, उसे कमती करने के लिए आपस में फैसला कर लिए हैं। और संसार में जितना जंगल मौजूद है, कहते हैं कि उसे अब ना काटा जाए। कारण यह है कि CO2H2 जो है तो ये जंगल उसे फिल्टरेर करके ज़ीरो बना देता है। तो ब्राजीलिया के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उनका इजाजत से 20% अमेजोनो वाव के पेड़ काट कर वहाँ लॉन बाव खेती करते हैं और मैन बाव हो रहा है। इन ब्राजीलिया इस अमेजोनो वाव तर खरोतो फान एन देर द फान ने द लैंड ऑन बोस्ट ब्लैक एट सतलीतन बिल्डन ओस्टर रैक के बॉन्स काउंसलर स्कालन बैरख प्रेस कॉन्फ्रेंसी में वो बताया कि 20 दिन टोटल लॉकडाउन किया जाएगा फरवरी के पहली तारीख से और जनता को जबरदस्ती किया जाएगा यानी फॉरफ्लेक्टिंग किया जाएगा अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के लिए जिन लोग के वैक्सीनेशन ना मिला है सोमवार से वो सिर्फ घर से काम पे जा सकता काम से सीधे घर और घर से दुकान जाते हैं और खरीद करके फौरन सीधे घर ओस्टन रेक के आउटबाउंड कंसलियर कुर्स पार्लियामेंटायर है उनके ऊपर इल्जाम है कि वो करप्शन किया है तो उनको जो इम्यूनिटेट है मुकदमा ना हो पा रहा था तो वेलन में पूरा पार्लियामेंटायर कुर्स के प्रत्येक यूएफपी के पार्लियामेंटारियर भी इम्यूनिटेट खत्म कर दिए हैं अब भरपूर उनका मुकदमा किया जाएगा। डचलैंड के बॉन्स कांसलियर अंगेला मर्केल देल स्टाटन से बात करके अब ऐलान किया है कि जिन लोगों के वैक्सीनेशन ना मिला है उनको अगोड़ना पड़ेगा अगर उनको अस्पताल जाना है पहले तो वो लोग जाएंगे जिन लोगों वैक्सीनेट हो चुके हैं और वैसे सब सर्च पर्सनल को भी इन एंटन करवा लेना हुक्म है। अब नई दलान की खबरें सुनिए फिर 3 या 14 नई दलांदर्स तो स्पाइये गए हैं फकांसी मनाने के लिए तो 14 नीदरलैंडर्स में से 13 नीदरलैंडर्स को कोरोना बस मेटिंगन हो गया है। यह सब लोगों को अपना ही फरब्लेफ में हुक्म दिया गया था क्वारंटाइन में ठहरने के लिए तो इन लोगों ने वहां से अचानक कहीं और चले गए हैं। अब ये लोगों के इंटरनेशनल ऑस्पोरिंग के जरिए खोज करते हैं ये लोगों जहां जहां भी जाएंगे कोविड-19 बीमारी फैलाते जाएंगे। अदालत एक जना को 60,000 यूरो दार भरवा सकता है। स्पाइये के प्लाट्स नवाजदेल माद्रोनो के बुर्खमेस्टर बोले कि स्पाइये में ये एक मिसदात है। रोटरडाम के डीरनटाउन डीर हार्द ब्लैक डोरप में गोरेलास और लेवन यानी कि बंदर और शेर को कोरोना बस मेटिंगन हो गया है। ये बीमारी के कारण कमती खाते हैं खोखत है सर्दी और बुखार लगता है। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स CBS बताया कि पिछले हफ्ता 3,750 जना नीदरलैंड में वफात हो गए हैं। एक हफ्ता पहले से देखा जाए तो 850 ज्यादा लोग के मौत हुआ है। यह मरने में तो कोरोना वायरस के होफ्त रोल है। आने वाले बरस 2020 महीना मार्च में तो खमेंद रात के चुनाव किया जाएगा। पॉलिटिक पार्टी एसपी के अफदेलिंग रोटरडाम तो कैंडिडेटन लिस्ट पेश किया था तो जिसमें 3 जना के नाम लिखा हुआ था जिन तीनों के हेटलांडल कबस्तूर पार्टी में से रुयेर कर दिया खदेड़ दिया है तो एसपी के हो बस्तूर अब अफदेल रोटरडाम के बस्तूर को स्कोर्सिंग दे दिया है। अब इन लोगों में से कोई को इज्जत नहीं है ये चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। नीदरलैंड में 130 कमेंटन फैसला कर लिए हैं कि यानी 2020 से यानी आने वाले बरस से तो जितना घर के एक नारन हैं ये एक नारन को खुद ही वो घर में जा कर के रहना चाहिएगा उसे फरहीर करने के लिए मनाही है।
ये घर के एक नारन तो फरहुदर के साथ बहुत अन्याय कर चुके हैं। दे मिशनर कैबिनेट के फैसला है कि ये आने वाले पुराना नया साल के मौके पे पूरा नीदरलैंड में पड़ाका बम बोल दागना मनाही है। कपेल ऑन द एसल के एक लॉज में इलेक्ट्रिक डेल स्कूटर्स रखा हुआ था तो वहां आग लगा, वो पूरा जल करके बर्बाद हो गया है। वहां के धुआं दो जना के बीमार कर दिया था, एक जना को अस्पताल जाना पड़ा है। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज के लतीफा इस तरह से है। लोगों ने एगो लौंडा से पूछे कि हर वक्त वो अपना एक दोस्त के साथ रहता रहा, आज वो दोस्त ना है, चक्कर का है। तो लौंडवा बोले कि हम लोग सेफ हो के बालकन पर बाजी लगा ली के सबसे ज्यादा बालकनों पर से लपक सके है। तो बोले वो जीत गए है, अब अस्पताल में है। हा? आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए, एक वीकेंड फिर सामने आ गल है। खूब बढ़िया से वीकेंड मनाइयो, आपसे और मुझसे मुलाकात हुई यही रेडियो स्टेशन पे और यही वक्त।